तो यार अभी मुझे मंडी आ गए थे, लेकिन बकरे जो है बहुत महंगे, समझ नहीं आ रही है। देखो लगे हुए जाजी भाई जो है अपने एक्सपीरियंस से ले रहे हैं बकरा। तो जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सबका? ठीक ठाक खैर खैरियत है भाई, वेलकम हो गया आप लोगों का ब्लॉग में। तो जी सब कैसे हैं आप लोग, अपना बताएं, ईद कैसे गुजर रही है आप लोगों की भाई? तो खैर से आज जो है ईद का तकरीबन चौथा दिन है, और हमारा जो प्रोग्राम है वो है खड्डी का। खड्डी किसे कहते हैं? हमारे बलोचिस्तान में एक रिवायत है जिसे जो है बकरा लेके हम जो है ज़मीन में दबा के उसको जो है टैट किस्म को पका के फिर खाते हैं। तो सीन इस तरह के मेरे साथ जो है जाजिब भाई है। जाजिब भाई क्या हाल है, खैरियत है? उबैद उबैद को जो है मैंने ऐसे समझो नींद से उठाया, मैंने बोले चल रात को काफ़ी देर से पहुँच जाए। तो बस ये कि अभी हम जा रहे हैं बकरा लेने के लिए, पहले उसको फिर ज़िबा करवाएंगे, फिर उसको जो है साफ़ करवा के, फिर खड्डी वाले से बात की हुई है जो पकाता है वो अलग बंदा है तो उसको देंगे। तो अभी जा रहे हैं, देखते हैं। वक्त ही सुबह सुबह उठे, हमने बोला यार ये काम फारिग करें, क्योंकि पकने में भी कम से कम 4 घंटे लगते हैं मसाला उसको मैरिनेट करने में, तो इस वजह से टाइम थोड़ा सा लग जाता है। तो बस अभी जा रहे हैं, देखते हैं बकरा किधर जो है कितना क्या मिलता है, किस तरह मिलता है, क्योंकि बड़ी ईद भी छोटी गुजरी नहीं, बड़ी ईद भी आने वाली है, बकरे वगैरह आसमान पे चढ़े होंगे खैर से। तो बाकी ये क्या हम लोग का इरादा था, जाजिद ने मुझे क्या कहता, स्नेल लोगर जो है कुत्ता खड़ा हुआ है, कहता वो हलाल करते हैं। मैंने कहा उसको छोड़ो, वो क्या करते हैं, कहते नहीं इसमें कुत्ता हलाल करते हैं, वो बस खड्डी करेंगे। मैंने कहा तो भाई यार छोड़ो यार, तो बस जाते भी देखते ठीक है। तो यार अभी हम लोग मंडी आ गए थे, लेकिन बकरे जो है बहुत महंगे, समझ नहीं आ रही है। देखो लगे हुए जाजिब भाई जो है अपनी एक्सपीरियंस से ले रहे हैं बकरा। जो ले जाते हैं लोग, तो बस ये है कि भाई खड्डी के लिए पेट भी बराबर है, ठीक है यार देखते हैं भाई। वो उस्ताद खड्डी के लिए चाहिए, खड्डी के लिए चार दान से नहीं है ना बाबा, नाजुक चीज चाहिए, ये तो छोटा है ये वाला, वो भी चार है। A few moments later. तो यार सीन इस तरह है, जिस चीज की इंसान को जरूरत होती है ना वो चीज़ कभी इंसान को टाइम पे मिलती ही नहीं है। अब जब नहीं चाहिए होती तो इतनी बड़ी वफर पड़ी होती कि जो है बंदा बोले क्या करनी है। अभी बकरा नहीं मिल रहा हमें, तो अभी देख रहे हैं किधर से हमें मिल जाए। कुत्ते की ताड़ में, कुत्ते की ताड़ में आखिरी चांस यही है, हसनैन का कुत्ता वो उठा के ले जाएंगे, सबको खिला देंगे, मैक्स नाम है उसका। तो अभी जा रहे देखते हैं यार किधर से मिल जाए वाला, टेंशन बनी हुई 2 किलो टेंशन है। तो यार हम लोग को जो है बकरा मिला, भाई नहीं दिया लेकिन दुकान से लिया भाई जान, ये आपके 1000 रुपये बकाया बकाया, आप मुझे दे दो बाकी मैं रख लेता हूँ ठीक है। हाँ क्या करें, मसला तो नहीं है, मेरा YouTube का चैनल है, मसला बहुत है, मसला ये कितना हो गया, ये 21,000 है, 800 देगा आपको यार, टेंशन नहीं ले, क्यों टेंशन लेते, मैं आपको दे रहा हूँ, मैं सिर्फ वीडियो बना लूँ, कुछ बोलोगे हमारे लिए? नहीं है बोला, मंडी में अखिल मान बहुत बुरा हाल है, 2000 रुपया कसम से मंडी में नहीं मिल रहा, हम लोग मंडी से आ रहे हैं, मंडी में आपको नहीं मिली है तो फिर आप बस, ये तो उस्ताद की मेहरबानी है भाई कि मिल गया और कुछ नहीं। 1 minute 37 seconds later. तो यार बकरा हमने उठा लिया, पहले तो बात ये कि मंडी में भी नहीं मिल रहा था, कितनी नहीं मिल रहा था, जो मिल रहा था लेकिन वो बहुत महंगे थे, तो बस ये था कि एक दुकान से उठाया, वो असल में तो सुबह सुबह लोग हलाल कर देते हैं, इसके बाद जो है अपनी दुकानदारी वाला साहब है इनका, तो बात ऐसी कि अभी उठा ली हमने, अब जा रहे हैं तकरीबन उधर खड्डी वाले को देने, इंशाल्लाह वो भी 4 घंटे तक तैयार कर देगा, बस अभी ये रास्ते में जाता हूँ ज़रा खड्डी वाले को बोलते हैं उसको मस्त किस्म का तैयार करके दे, बाकी खाएँ तो पता चले भाई। उस्ताद ये 12 किलो है, अच्छा तो अभी ऐसा है कि हम लोग जो है ले आए यहाँ पर, उस्ताद ने जो है और भी मैरिनेट करके मेरे ख्याल से ये मैरिनेट किया हुआ आपने? हाँ ना, तो इसको बस वो आप करो ना, ये भी ले लो बस, हम जो बनाता है इसको कट लो, आप बनाओ ये भाई, वो अक्सर व्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा। हाँ चाचा वीडियो बनाओ इधर कराची वाले अक्सर 2-3 लोग आए थे, मैंने वीडियो देखी थी, तो उसमें जो है उन्होंने यहीं से बनवाया था, ये तो हमारे घर के पास है भाई, तुम्हारी सहूलत है। तो ये क्या भी, ये तकरीबन जो है इसमें 4 घंटे तो कम अज़ कम लग जाएंगे ना, 4 घंटे लग जाएंगे, शाम को ही मिलेगा, बस ये कि इसमें चावल भर के, काजू पिस्ता बादाम सब भर के मज़े से भाई, ये है कि 12 किलो है, तकरीबन 15 बंदे आराम से खा सकते हैं, इसका इतना कोई मसला नहीं है, बस ये इमेजिनेशन हो जाए, आपको इमेजिनेशन दिखाते हैं, इसके बाद फिर हम लोग निकलते हैं और भी काम है, वो फारिग करें फिर देखते हैं क्या करना है। उस्ताद ने तो इतने कट लगा दिए हैं इस पर बेचारे बकरे पे,
बकरे ने कभी जिंदगी में सोचा भी नहीं होगा ऐसा, मेरे पे इतनी छुरियां चलेंगी, इतने जुल्म होंगे मुझ पे, इसके बाद सारे मिलके मुझे खाएंगे पर डकार मार के चले जाएंगे। बहुत जबरदस्त है, इसको वो किया दूसरे वाले को भी इस तरह काट दिया है। ये अल्लाह ताला जो है ना इंसान के लिए कैसे वो बनाया ना, बोला अपना बनाया हुआ मसाला है चाचा का। बस ये हम लोगों ने जो बोला इतना स्पाइसी नहीं करना है। उबैद भाई अभी से आपके मुंह में पानी आ गया, क्या सोच रहे हो? उबैद भैया चम्मच भागता आया, बोला आज प्रोग्राम है। वैसे इधर चमन में क्या है यार, आप लोगों ने ब्लॉग में देखे कुछ बिंदु गुलियों को शेयर है कसम से। इधर चमन आ कोयटा आ गया, अच्छा है बुलाया तो बस ये के भी मसाला लगा दे तो पैरल मुख निकलते हैं। ठीक से बोला तो भाई ये जो है इनके बनाए हुए इन्होंने, इसमें कोयले मोले डालते हैं, एक में आग जल रही है तैयार हो रही है, इसमें जो है बकरा डाल देते हैं, फिर ज़बरदस्त किस्म का जो है हो जाता है। तो चाचा कितना 20 साल का एक्सपीरियंस, मैं कहता हूँ तुझे भी पका दे हो यार, मुश्किल है सख्त रहे सख्त रहे, चमन की हड्डी है नहीं गलेगी सही से। तो बाकी ये कि चावल जो है यहाँ पर वो हो रहे हैं, सारा चावल है ये जी सर, 1.5 किलो ये 1.5 किलो चावल है। बस सही है, साफ करेंगे बस सही है चावल है, फिर उसमें काजू पिस्ता बादाम सब भर के मज़े से इंशाल्लाह प्रमुख शाम को ही चक्कर लगाएंगे। तो यार खड्डी वगैरह आपके सामने दे दी थी, ठीक है अब सीन कुछ इस तरह है, खड्डी में तो टाइम लगेगा। हम लोग लगी थी बड़ी सख्त भूख, सुबह 9 बजे के हम निकले हुए थे, कुछ भी नहीं खाया था। अब ये सीन है कि अभी कुछ खाने के लिए आए हैं मैं और हसन, हसन को घर से मैंने उठाया है। हसन भाई ठीक ठाक पोल्ट्री अब पोल्ट्री नहीं लगता, अभी इंसान लगता है ये तो ये है कि बस अभी टाइम लगेगा, गर्मी भी बहुत होगी कोयटा में, दिन इतना गर्म है और रात बहुत ठंडी है, पता नहीं अजीब मौसम है, बेफाम मौसम है। तो बस ये एक दफ़ा खाना वगैरह यहाँ पर कुछ खा लें और दिया हुआ है आ जाए खा के फिर निकलते हैं, क्योंकि टाइम भी होने वाला तकरीबन अभी 4 बज गए, 5 बजे तक एक घंटा है। तो जाते हैं ज़रा खड्डी वाले के पास भी चक्कर मारते हैं क्या सूरत हाल है। ठीक है 2000 years later कोई इतना गर्म है। हाँ ये जो हम लोग खड्डी जो है उन्होंने जो कंबल में लपेटा हुआ है, सोया हुआ था थोड़ी देर के लिए, फुल टाइट लपेटा हुआ, कैसा गर्म है। अभी इसको खोल के एक बार देख लेते हैं, फिर उसके बाद जो है इसमें से वो थोड़ा सा सिस्टम करना है मैंने। तो यार खड्डी उठा लिया, बहुत गर्म था लेकिन ये तो ठंडा भी हो गया थोड़ा सा, इस वजह से कि थोड़ा लेट हो गया मैं, ये इधर उधर जो निकल जाते हैं ना, किधर नौड़क पहुँचा थे किधर पहुँचा हुआ था, इस वजह से लेट हो गया। अभी बस ये खड्डी उठाया सामान, बाकी जैन उठा रहा है, तो ये कि बस सीधा जाते हैं घर। बाकी ये कि फाक भाई क्या हाल है, ठीक हो खैरियत है? आशिर भाई पीछे, आशिर भाई क्या हाल है? शुक्र अल्लाह का आप ठीक हैं। खैर खैरियत है? उबैद भाई ठीक, तो ख़राब ही है ठीक किधर है। तो बाकी है कि बस चलते हैं कि हुसैन को उठा लें, चीज़ें उठा लें, फिर चलते हैं, मतलब ठंडा हो रहा है खड्डी देखिए, इसको गर्म गर्म खाने का मज़े ऐसा मज़ा नहीं आता। बंद कर दूँ आप, खोलो खोलो यार, ये भाई खड्डी तैयार है हम लोगों का, खड्डी तैयार है ज़बरदस्त किस्म का। अभी जो है सारे बैठे हैं, रश कस लगा ऐसे तक करने के लिए हमारे भाई बैठे हैं चूरी हाथ में। तो बस ये कि अभी इसको काट के फिर जो है शीटों पे बांटते हैं भाई, आगे पीछे करते हैं। हाँ तेरा भी कटेगा। A few moments later तो भाई ये लोग जब भी शीटें उठाने खा लिए, सब वो काम पे लगाया है। हाला मेरे बच्चों काम करो सारे, जल्दी 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 काम करो सारे सारे अच्छे बच्चे, देखो सबको मैंने खड्डी खिलाया, विशाल काम लूंगा इन सब। हाँ जी तो भाई कल जो है हमने खड्डी का प्रोग्राम जो किया था, आज जो है अगला दिन है, तो कल लोग एंड नहीं कर सका मैं, बाकी ये था कि बहुत मज़ा आया, सारे दोस्त थे कज़न वगैरह सारे थे, बहुत ज़बरदस्त मज़ा आया सबको, बड़ा पसंद आया भाई। तो आप लोगों ने ये कि आप लोगों ने खाम खाम लोग को जो है लाजमी इन्जॉय किया होगा, इसी तरह जो है सपोर्ट करते रहेगा इंशाल्लाह। आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में मुलाकात होगी, क्योंकि अभी मैं जा रहा हूँ रास्ते में हूँ चमन के लिए, रास्ते में हूँ मैं चमन जा रहा हूँ, अभी कोयटा में कर ली भी जो है चमन में 1-2 दिन गुजारते हैं। तो जी बाकी सब अच्छे तो सर भाई मान तो आपने बना लिए, कैसे हो ठीक
तो बस ये भाई ब्लॉग को मैं इधर एंड करता हूं, नेक्स्ट ब्लॉग में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब लाइक कमेंट लाजमी कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।